सड़क पे बैठ के दिखा दो, कोई एक व्हीकल लगा दो, टावर तोड़ के दिखा दो भाई, जो जो तोड़ेगा उसी से पैसा रिकवर होगा। गाजीपुर बॉर्डर तो अभी बंद है, दिल्ली भी, यूपी में भी गाजीपुर बॉर्डर तो बंद ही पड़ा है यार। आज साल के चलते 100 आदमी नहीं होते शाम को, फिर भी बंद कर रखा है ना। बंद तो अब हमने कह रखा है, किसान को छेड़ना नहीं, इनको आराम से 2 अक्टूबर तक तो अगले टाइम दिया है, हम कहेंगे अगले 2 अक्टूबर तक और बैठो भाई। 2 अक्टूबर का तो खुद ही कह दिया बैठे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, मुद्दा तो कोई रहा नहीं। 2 अक्टूबर का टाइम उन्होंने खुद दे दिया है भाई, बैठो, जगह ही तो ले रखी है, और क्या दिक्कत है। ये 200 किसान मर गए, इस पे क्या कहना है आपका? ये घर में होते तो भी मरते, यहाँ नहीं मर रहे क्या? बीजेपी का क्या ना, मेरी बात सुन लो, आपके आप ये 1-2 लाख में से 206 महीने में नहीं मरते क्या? आप एक ये ही मर गए, मेरी बात, हाँ कोई हार्ट अटैक होकर मर रहा है, कोई बुखार होकर मर रहा है, आंदोलन में मरने वाले, आंदोलन का आपको बताओ, आंदोलन में, आंदोलन के दौरान वहां बैठे जो किसान मरे उसमें तो सुन तो लो यार, मुझे एक चीज बता दो कि हिंदुस्तान की एवरेज एज कितनी है और साल के कितने मरते हैं, उस रेशो में मरे संवेदनाएं नागरिक का जहां तक मुद्दा है 135 करोड़ के प्रति संवेदनाएं है। अगर एक एक टुकड़े टुकड़े में कोई संवेदना की बात नहीं, भारत एक है, भारत के नागरिक को बराबर के हक हैं। 10 आदमी एक्सीडेंट में मरते हैं, प्रधानमंत्री जी अफसोस प्रकट करते हैं, ये मर जाए तो कोई बात, तो एक्सीडेंट में नहीं मरे ना, ये ये भी एक धर्म है, स्वेच्छा से मरे, कुछ तो स्वेच्छा से मरे, संवेदनाएं खुद प्रकट करता, मरे हुए क्या प्रति पूरी पूरी मेरी हार्दिक संवेदना है। ये नहीं देखो, कोई भी मरे, किसी पीछे किसी का घर खराब होता है, किसी के छोटे बच्चे हैं, लेकिन आम किसान भोला भाला है, कोई सिंपैथी के उसमें गया, कोई जाति के चक्कर में गया, कोई और चक्कर से, बजट सेशन आना है वो जो विधानसभा की कमेटी है टाइम उसका तय करेगी कितने दिन चलेगा। ये निश्चित तौर पर है कि दक्षिण हरियाणा को इस बजट का सबसे ज़्यादा लाभ होगा, कृषि क्षेत्र को, पशुपालन को सबसे ज़्यादा लाभ होगा। हमारे मुख्यमंत्री वित्त मंत्री भी जी हैं, वो बजट बनाने में कल MP साहबियाज से चर्चा की थी, पिछली बार एक उन्होंने नई नीति डाली कि वे सारे विधायक जो हैं सब पार्टियों से लिखित में या वर्बल उनसे सलाह लें, और हम जो है हरियाणा के हित में बजट लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जो है कांग्रेस पार्टी सपने ले रही है कि अविश्वास प्रस्ताव ला के कि भाई वो सरकार को डिस्टर्बाइज कर दे, इसकी दूर दूर तक संभावनाएं नहीं है। जब से अविश्वास प्रस्ताव का राग उन्होंने शुरू किया है, विपक्ष के 2 MLA तो वो घट चुके हैं, और मुझे लगता है कि कोई ना कोई आने से पहले पहले उनका ये विचार भी बदल जाएगा कि कोई फायदा नहीं है।